अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो आज हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं तो वो है जीवन मिनी, इसे J105 भी कहते हैं। J1064G तो इसे जो प्रॉब्लम है, इसका जो टच ग्लास है वो काम नहीं कर रहा, टूटा हुआ है। तो हम आज इसे आपको रिप्लेस करने का तरीका कर बताएँ। सबसे पहले आपने इसका जो बॉक्स है उसको उतार लेना है। उसके उतारने के बाद आपने इसकी जो LCD की स्ट्रिप है इसे उतार लेना है। तो फिर इसको जो है आपने हीट अप कर लेना है 1 मिनट तक, 30 सेकंड से 1 मिनट तक जो आपने 250 टेम्परेचर करके उसके बाद अपने ये जो स्टेप है उसको उतार लेना। इसकी जो LCD इसको आपने अलग कर लेना है। और उसके बाद इसको अपने जो है जो LCD और टच जो है इसका लहदा लहदा है। तो हमने इसी तरह का जो है सेम वर्जन का ग्लास लेना है ओरिजिनल, सेम वर्जन है, नया ग्लास लिया। तो अभी हम इसको आपको फिट करने का तरीका कर बताएंगे। जो पेपर है आपने इसको उतार लेना है। तो ये हमने इसको 8000 अच्छी तरह से लगा लेनी है। खुद जो इसका टच ग्लास है वो ओपन ना हो। तो 8000 लगाने के बाद आपने जो इसका जो टच LCD है पहले आपने LCD को बिठा लेना है। LCD को बिठाना है, उसके बाद आपने जो ऊपर टच को जो है लगा देना है। तो उसके बाद आपने इसकी जो LCD स्ट्रिप है उसको लगा देना है। ये इसके पीछे इसका जो बॉक्स बना हुआ है LCD ऊपर प्लास्टिक का, आपने इसको लगा देना है।
और फिर इसमें हमने दो नेटवर्क की सिम, एक जैज की है और एक टेलीनोर की, अपने इसमें जो है सिम को हमने लगा लिया। उसके बाद हम फ़ोन को ऑन करके भी जो है चेक करेंगे। सैमसंग गैलेक्सी J1 मिनी प्राइम, तो ये जो है हमारा फोन है ऑन हो गया। तो जो टच है वो चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो गया। तो जिन भाई ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसका एक कोड होता है टच को चेक करने के लिए, *#0*#, ये सैमसंग के फ़ोन को चेक कर, टच को जो है चेक करने के लिए काम करता है। सेंसर वगैरह इसमें मुकम्मल जो है कलर चेक कर सकते हैं आप, होम सेवर की, फ्रंट बैक कैम, और हमने टच चेक करना है कि हमारा जो टच है वो ठीक काम कर रहा है। अगर तो ये जो लाइन ही है इस पे टच सब कलर का हो जाएगा तो समझ लो हमारा टच बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर सफ़ेद थोड़ा सा भी रह जाएगा तो इसका मतलब हमारा टच जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, तभी बिल्कुल जो है क्लियर काम कर रहा है। उसके बाद इसका जो सेंसर है वो चेक कर सकते हैं आप, स्पीकर को चेक कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।